फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के बादशाह और बॉलीवुड के किंग यानी कि सुपरस्टार शाहरुख खान की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान का दोस्तों आज प्रीव्यू ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों इस प्रीव्यू को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो इस फिल्म से मैंने एक्सपेक्ट किया था उसका शायद 70% ही मुझे देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों इस 70% ने ही आग लगा दी है और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म रिकॉर्ड्स की भरमार लगाने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि एटली कुमार के साथ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म जवान जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है, इसका आज प्रीव्यू ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह प्रीव्यू 2 मिनट 12 सेकंड का है, लेकिन दोस्तों इस 2 मिनट 12 सेकंड के ट्रेलर में आपको सुपरस्टार शाहरुख खान के नए नए लुक्स और उनका धमाकेदार एक्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों उनका जो बोल्ड लुक है वो तो काफी इंप्रेसिव और अमेजिंग है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में जो उनका यंग लुक देखने को मिल रहा है वो दोस्तों एक बार फिर से उनके फैंस के लिए तालियां और सिटियां बजाने का मौका देने वाला है। एटली कुमार जो कि दोस्तों तमिल सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार डायरेक्टर है, उनके डायरेक्शन में दोस्तों इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जिसके लीड में आपको शाहरुख खान के अलावा नयनतारा और विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों सानिया मल्होत्रा और कैमियो के तौर पर दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में आपको नजर आने वाली है। आज इस फिल्म के प्रीव्यू में इन सभी की कुछ कुछ झलक देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है यहां पर नयनतारा के एक्शन ने और सुपरस्टार शाहरुख खान के लुक्स ने। इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 सितंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाना है, लेकिन दोस्तों आज इस फिल्म का 2 मिनट 12 सेकंड का प्रीव्यू ट्रेलर ऑडियंस को खूब पसंद आने वाला है। फिलहाल में दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर के पॉजिटिव थिंग्स की बात की जाए तो दोस्तों शाहरुख खान के लुक्स इस फिल्म में 5 से 6 हमें देखने को मिलने वाले हैं। नयनतारा की दोस्तों जोड़ी शाहरुख खान के साथ काफी अच्छी नजर आने वाली है और दोस्तों उनका एक्शन भी इस फिल्म में गजब का नजर आ रहा है। दीपिका पादुकोण अपीयरेंस के तौर पर इस फिल्म में एक बार फिर 4 चांद लगाने वाली है। तो वहीं दोस्तों विजय सेतुपति इस फिल्म में विलन के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। अनिरुद्ध का दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म में इंप्रेसिव होने वाला है और दोस्तों शाहरुख खान की एंट्री पर तालियां और सीटियां बजने वाली है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म के विजुअल जो है वो इस फिल्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की जो स्टोरी है वो रेगुलर मूवीज की तरह एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म की तरह नजर आ रही है, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान पुलिस वाले के कैरेक्टर के साथ साथ एक स्पाई एजेंट की भूमिका भी में नजर आ सकते हैं। अब देखना यही है कि जिस तरह से इस फिल्म के ट्रेलर से हम सभी को उम्मीदें थी, क्या इस फिल्म का ट्रेलर ऑडियंस को भी वैसे ही पसंद आ रहा है या नहीं। फिलहाल मैं दोस्तों इस फिल्म के प्रीव्यू को देखने के बाद सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 70 से 80 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है और दुनिया भर में 120 से 130 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से ले सकती है। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले अच्छे रिव्यूज के बाद यह फिल्म 1000 करोड़ की फिल्म भी बन जाएगी। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या जवान बॉक्स ऑफिस पर पठान के रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों आपको यह ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।